लाइफ इस तरह से चेंज किए कि ना किसी दवाई की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, दे आर लिविंग अ हाईली सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ। और हम में से ज्यादातर लोगों को उस लेवल का डिप्रेशन फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुझे कितनी तकलीफ है। आई वॉन्ट टू मेक एन अपील टू ऑल ऑफ यू टुडे कि मैंने खाना खाया इस फ्रीक्वेंसी से मैं डिप्रेशन में हूं, इस सेंटेंस का यूज करना प्लीज बंद करो। डिप्रेशन इज अ सीरियस इलनेस। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हर कोई डिप्रेशन इस शब्द का इतने आसानी से इस्तेमाल कर रहा है, 10 साल के 15 साल के बच्चे तक से मैं डिप्रेशन में हूं मैं डिप्रेशन में हूं, कि हमारा रिस्पॉन्स भी उसको क्या हो गया है, हमको पता है बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसको क्या कहते हैं, हो जाएगा कुछ नहीं होगा ठीक। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम नुकसान किसको हो रहा है, जिसको सीरियस डिप्रेशन है और जिसको हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसको भी हम उतना ही राइट ले रहे हैं। हम हमारे नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना रहे हैं, जो हमने खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए उसका सॉल्यूशंस खुद ना निकालते हुए लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोई उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कंप्लेन कर रहे हैं पूरा टाइम कि मैं डिप्रेशन में हूं। डिप्रेशन इज नॉट द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। तो उसको उतनी आसानी से यूज करना बंद करें। आप अगर खुश नहीं है तो आप खुश नहीं है, दैट्स इट, यू आर नॉट इन डिप्रेशन। इट डजंट मीन दैट यू आर इन डिप्रेशन। आप खुश नहीं है, आज आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मूड बहुत अच्छा नहीं, सो इट्स ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मैंने पूरा टाइम बहुत सुपर मूड में रहना चाहिए? व्हाई कांट वी बी जस्ट ओके, आज मजा नहीं आ रहा, ओके ठीक है। व्हाई डू वी हैव टू गो इनटू द डेप्थ्स ऑफ एवरीथिंग कि कुछ भी बिना आज मूड ठीक नहीं है मतलब जिंदगी खत्म, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। वी नीड टू थिंक, अंडरस्टैंड, it's okay, it's okay not to be happy all the time. Happiness is an emotion, not feeling good is also an emotion, sadness is also an emotion, it's okay, there's nothing wrong, you can not be happy and there's nothing wrong with it, please understand this. Aapki life mein koi kuch problem hai jiski wajah se aap consistently aapko acha nahi lag raha hai, कंसिस्टेंटली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, तो प्लीज टेक समवन्स हेल्प टू सॉल्व इट, इट इज पॉसिबल। इस दुनिया में 99.99% चीजों के हल है, प्लीज बिलीव इट। हमको क्या लगता है कि मेरे प्रॉब्लम को हल नहीं है बाकी सबके प्रॉब्लम को है, दैट्स अनफॉर्चुनेटली हाउ वी अप्रोच इट। मतलब अगर मैं किसी के पास बैठ के कंप्लेन कर रही हूँ, अरे यार आजकल मेरे पास में काम भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, और अगर मुझे सामने वाला कहीं गलती से कहते, कुछ नहीं होता यार सबके लाइफ में होता है ऐसा, मेरे फीलिंग्स क्या होंगे, आई वुड बी एंग्री, इसको क्या समझता है मेरे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, दैट्स माई फीलिंग। Because I want to feel exclusive. ऐसी चीज जिंदगी में किसी के साथ नहीं होती है। I don't want solutions. क्योंकि solution में मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास काउंसलिंग के लोग आते हैं अलग अलग तरह की कंप्लेन्स लेकर। And they describe their complaints. And I understand that you know they are not happy. मेरे लिए वो important है कि अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है, it's important to me. Doesn't matter कि बात छोटी हो या बड़ी हो या कुछ भी हो। लेकिन जो भी आपकी कंप्लेन होगी तो मेरा सवाल एक होता है कि आप क्या चाहते हो। अनफॉर्चुनेटली आप क्या चाहते हो इस सवाल का जवाब हम थर्ड पर्सन के कंटेक्स्ट में देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से बिहेव करने लगे, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ अच्छे से बिहेव करे, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ऐसे बिहेव ना करे, मैं चाहती हूँ कि मेरी सास मुझे सर रोकना छोड़ दे। लेकिन आपके हस्बैंड, आपकी सास, आपके आपकी बीवी, आपके बच्चे तो यहाँ पे आए नहीं है, सो आई डोंट हैव मैजिकली मैं ऐसा चलो इनके घर में सबको बदल दो, वो तो मैं कर नहीं सकती। सो अगर मैं वो नहीं कर सकती तो आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। और ये सवाल मुझे बहुत बार पूछना पड़ता है कि आप चाहते क्या हो। अनफॉर्चुनेटली हर कोई उसी चीज पे अटक के रहना चाहता है कि वो ठीक से बिहेव करना शुरू कर दे, वो जो कोई भी हो।
मेरे बॉस हो, मेरे कोई भी हो, हर कोई यही चाहता है कि वो ठीक से बिहेव करना शुरू कर दे। अब बहुत बार पूछना पड़ता है, कभी कभी दो दो तीन तीन सेशंस में मैं यही सवाल पूछती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रही हूँ, आप कुछ नहीं, लेकिन आपको चाहिए क्या? And I ask this question till the point they don't come, was I want to be happy and peaceful. Now you are talking something that we can do. This is something which is 100% doable. Do you really want it? ये सवाल आपको अपनी लाइफ में पूछना पड़ेगा। People are not going to be perfect. आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो परफेक्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप भी परफेक्ट नहीं, उनके हिसाब से आप में प्रॉब्लम्स है और आपके हिसाब से उनमें प्रॉब्लम है। अगर वो कहेंगे तो क्या आप बदल जाओगे? यू डोंट वॉन्ट टू चेंज, फिर आपकी खुशी के लिए वो क्यों बदले? अगर वो अपनी लाइफ में परफेक्टली हैप्पी है तो केवल आपको अच्छा लगने के लिए वो क्यों बदले? आप चाहते हैं कि आपकी खुशी के लिए वो बदल जाए। मेरा तो सवाल ये है, क्या आप अपनी खुशी के लिए बदलने को तैयार है? खुद के लिए आपकी खुशी तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उनके लिए नहीं होगी। फॉर यू योर हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। आर यू रेडी टू चेंज फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस? अब यहां भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं अपना कंट्रोलिंग स्वभाव नहीं छोड़ना चाहता। मैं अपने बीवी को, बच्चों को, हस्बैंड को, इसको उसको, सबको कंट्रोल में रखना चाहता हूं। और वो जब नहीं सुनते तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इतना बुरा क्यों है। लेकिन मैं अपना कंट्रोलिंग स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सबने अपना इंडिपेंडेंस छोड़ के मेरे हिसाब से बिहेव करना चाहिए, सो दैट आई विल बी हैप्पी। इट डजंट मैटर दैट अदर पीपल आर नॉट हैप्पी। मैं अपने आप को नहीं करता हूँ, आई विल नॉट चेंज माय सेल्फ, एंड दिस इज रिपीटेडली ऑब्जर्व। मेरा प्रॉमिस ये है, अगर आप मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, आप अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार है, तो आपका हैप्पीनेस एंड पीस गारंटीड। लेकिन आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है तो मेरे पास कोई जादू नहीं है ऐसा कि मैं आपकी दुनिया के सब इंसान को बदल दूं। क्योंकि मान के चलिए अगर किसी दिन सचमुच आपके लाइफ के सारे लोग बदल गए, तब भी आप खुश रहेंगे ऐसी गारंटी है? स्टैम्प पेपर पे लिख के साइन देते हो सब लोग बदल जाएंगे तो मैं हमेशा खुश रहूंगा 100%? आई रेडी टू टेक दैट रिस्क टू साइन इट ऑन लीगल पेपर्स? बिकॉज दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। ईदर यू नो हाउ टू बी हैप्पी और यू डोंट नो। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद एनीवन इन योर लाइफ। अगर आपकी वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड आपके हिसाब से नहीं बिहेव कर रहे हैं, कैन यू जस्ट लेट देम बी कि चलो ठीक है तुम अपने हिसाब से रहो, मैं अपने हिसाब से रहूं? कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी। यू एंजॉय योर लाइफ, आई एंजॉय माय लाइफ, यू हैव योर डेफिनेशन, आई हैव माय डेफिनेशन, एंड विद दैट अगर हमको साथ में रहना है तो बहुत बढ़िया। क्या ये पॉसिबल है? फिर मुझे नहीं चलेगा, फिर मुझे नहीं चलेगा कि वो सामने वाले व्यक्ति पूरे अपने हिसाब से जीना शुरू कर दे। तो प्रॉब्लम उसकी है कि मेरी है? प्रॉब्लम उसकी है कि मेरी है? वो तो अपनी जिंदगी जैसे स्वभाव, इवन बच्चों के बारे में पेरेंट्स को मैं अक्सर कहती हूँ कि गिविंग देम अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन इज अ गुड एक्ट। कोशिश जरूर करनी चाहिए कि सर्टन डिसिप्लिन लाइफ में, सर्टन हार्डवर्क की हैबिट लाइफ में, कुछ चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए कोशिश। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में इफ योर पीस ऑफ माइंड इज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, लेट देम बी। वो अपने हिसाब से ठोकरे खाकर सीखे, एंड दैट्स ओके। अब पेरेंट्स की आज प्रॉब्लम क्या है कि मेरे बच्चे की लाइफ में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए पहले प्रॉब्लम तो मैं ही घर से शुरू करती हूँ, दिन भर चिल्लाते क्यों, ताकि उसके लाइफ के बाद में प्रॉब्लम ना। अमेजिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको चाहिए क्या, उसको समझना क्या है उसको। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस द चाइल्ड विल बिहेव द वे ही और शी, बिकॉज इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सनैलिटी। इट्स एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग फीलिंग पर्सनैलिटी। जस्ट बिकॉज आप उससे उम्र में बड़े हो उसके इसलिए उसका मतलब उसके मीनिंग्स लाइफ के डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाते। सो समटाइम्स यू विल हैव टू चेंज, देन समटाइम्स ही विल चेंज। लेकिन आप कभी भी बदलने को तैयार नहीं है तो उसके पास तो कोई रीजन ही नहीं है। वाई शुड
खुशी चेंज। जब तक आपका डर है तब तक आपकी कुछ बातें मानेंगे, जब तक आप जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो निकल लेंगे, फिर देखो टास्क क्यों। सो अल्टीमेटली हैप्पीनेस कहाँ है? इट्स अ पावर प्ले, इट्स अ प्योरली पावर प्ले। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, आपके बच्चों के, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, एंड 99.9% हर कोई अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखता है, दूसरे की बताई हुई बातों से कोई नहीं सीखता। हमने गलतियाँ नहीं की क्या? ढेरों गलतियाँ की हैं हमने, हमको भी लोगों ने बताया था ऐसा ऐसा मत करो, लेकिन किया है ना हमने, फ्रीक्वेंटली किया है। उनको भी करना पड़ेगा। हाँ, उनकी सेफ्टी जरूर देखना है हमको, जहाँ हो सके हमने उनको रोकने लॉक लगाने पॉसिबल है वहाँ पे, जहाँ हमको लगता है कि ये सेफ्टी का इशू है। बट वी हैव टू लेट गो। अगर आप हैप्पीनेस और पीस की बात करते हैं तो यू हैव